So, uh, good evening and uh, congratulations for your selection as scientific assistant in NPCL. Rawat Bata. Thank you, sir. Virsu, This is a very prestigious organization, NPCL, And yes, uh scientific assistant uh, key post pe selection hai, which is uh, you know for diploma-based jobs. तो yes, आज का इंटरेक्शन विद यू विल बी वेरी वेरी हेल्पफुल फॉर ऑल द स्टूडेंट्स हु आर डिप्लोमा बेस्ड जॉब्स सीकर एंड दोस हु वांट टू गो फॉर दिस काइंड ऑफ अपॉर्चुनिटीज सो लेट मी स्टार्ट विद योर ब्रीफ इंट्रोडक्शन फर्स्ट विरसू आप अपने बारे में कुछ बताएं हमें न, बेसिक्स आप कहां से हैं एंड व्हाट व्हेन डिड यू डू योर डिप्लोमा फ्रॉम व्हिच कॉलेज एंड उसके बाद हैव यू डन ग्रेजुएशन एंड व्हाट वर यू डूइंग अभी तक आप क्या कर रहे थे उसके बारे में थोड़ा बताएं सर जय मेरा नाम विरसू कुमार है हम झारखंड के चतरा डिस्ट्रिक्ट से के रहने वाले हैं सर और मेरे फादर हेल्थ झारखंड के हेल्थ डिपार्टमेंट में मल्टीपर्पज वर्कर है एमपीडब्ल्यू बोलते हैं सर और मेरी स्कूलिंग वहीं गांव के ही हाई स्कूल से हुई है उसके बाद मैंने डिप्लोमा झारखंड के ही पाकुड़ पॉलिटेक्निक पाकुड़ से टू में कंप्लीट किया के, मैकेनिकल इंजीनियरिंग में उसके बाद ये डिप्लोमा टू जो लेटर इंडिया का होता है सर उसके थ्रू मैं दो में बीटेक कंप्लीट हुआ मेरा यहीं से हजारीबाग के विनोबा भावे यूनिवर्सिटी से तो एनपीसीएल साइंटिफिक असिस्टेंट का रिक्रूटमेंट नवंबर 2020 में या दिसंबर 2020 में आया था तो उस दौरान अप्लाई किए थे तो एग्जाम में काफी डिले हो गया तो अभी फिर फाइनली एग्जाम सेल में फाइनली सिलेक्शन हुआ सर ओके और पहले मेरा सर हां जी गो अहेड

दो हजार बाईस में कंप्लीट हुए अच्छा तो ये पहली जॉब है आपकी जो टाटा स्टील में लगी है हाँ मतलब फाइनल जॉब तो पहले पहले मतलब वेटिंग उटिंग रही लेकिन फाइनल जॉब तो टाटा स्टील में अच्छा टाटा स्टील के बारे में भी बता दीजिए कि, कि किस तरीके से जॉब लगी है आपकी, क्या एग्जाम था और कैसे हुआ ये सर इस साल बेसिकली मेरे टाटा स्टील में दो जॉब हुआ है एक जूनियर इंजीनियर का जॉब हुआ है सर जो डिप्लोमा बेसिस डिप्लोमा बच्चों के वो डिप्लोमा के मतलब बीटेक बच्चे भी अप्लाई कर सकते हैं बट उसका जो मिनिमम क्वालिफिकेशन है वो डिप्लोमा है मतलब डिप्लोमा के okay. बच्चे भी क्वालिफाई करते हैं तो उसमें okay. उस सेम टाटा स्टील अपने रिक्रूटमेंट पोर्टल पे रिक्रूटमेंट निकालती है जूनियर इंजीनियर का उसके बाद वो एग्जाम के थ्रू जो ऑनलाइन सेंटर्स पे एग्जाम होते हैं वो शॉर्टलिस्ट करते हैं उसके बाद फाइनल सिलेक्शन इंटरव्यू बेसिस पे होता है तो टाटा स्टील की कोर्स जमशेदपुर में ही इंटरव्यू होता है उसके बाद इंटरव्यू के बाद मेडिकल और डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के बाद फाइनल सिलेक्शन होता है सर सिमिलरली एपी जो है स्पायरिंग इंजीनियर प्रोग्राम वो टाटा स्टील बीटेक के बच्चों के लिए है ये इसमें सिमिलरली सेम एग्जाम होता है उसके बाद इसमें दो एग्जाम है फर्स्ट राउंड क्लियर करने के बाद एक कल्चरल अप्रीसिएशन टेस्ट उन लोग कंडक्ट करवाते हैं वो टेस्ट क्लियर के बाद फिर फाइनल इंटरव्यू राउंड होता है जमशेदपुर में या अलग अलग इंडिया के लोकेशंस में और उसके बाद फिर उन लोग टाटा स्टील में इस साल सर जैसे जूनियर इंजीनियर वाला पोस्ट में तो हमको लगता है

कोविड हाँ, में बस दो साल था जो नहीं निकला था वो ऑलमोस्ट हर एक साल निकलता है और सारी ब्रांच के बच्चों के लिए निकलता है हाँ, मतलब मतलब इंजीनियरिंग के केमिकल ऑलमोस्ट लगभग सब ब्रांच के। मतलब अच्छा, जो बच्चे भी आप आपको मैकेनिकल मैक... अच्छा, के सीट मैक्सिमम होते हैं टाटा स्टील से स्टील, स्टील सेक्टर की कंपनियां तो मैकेनिकल मेटलर्जी ये सबका सीट ज्यादा होते हैं बट रिक्रूटमेंट हर डिपार्टमेंट का लगभग होता है अच्छा अब आप बिरसू क्योंकि ये बच्चे आपको जो सुन रहे होंगे इनको थोड़ा भी बताएं कि एग्जाम एग्जाम कैसे निकालना है है कैसा होता है इसका सर टाटा दोनों टाटा स्टील का सर जो जूनियर इंजीनियर का एग्जाम होता है उसमें अस्सी क्वेश्चन है वो डिप्लोमा के जो सिलेबस है ना वो जूनियर इंजीनियर के सारे एग्जाम होते हैं जैसे एस एस सी जी आर आरबी जे और जो एन या कोई भी जो जूनियर इंजीनियर का एग्जाम वो अस्सी क्वेश्चन टेक्निकल क्वेश्चन होते हैं और बीस क्वेश्चन होता है सर वो ये होता है करंट करंट इंडस्ट्रियल ओरिएंटेड लर्निंग होता है वो इंडस्ट्री इंडस्ट्री ट्रेंड जैसे और इस टाइप के कुछ कुछ सेफ्टी रूल्स ये सबका बीस क्वेश्चन होते हैं तो हंड्रेड क्वेश्चन का होता है सर तो उसमें मोस्टली क्या होता है कि टेक्निकल का आपको अपना ब्रांच स्ट्रॉन्ग रखना है वो जेई सब का जो बुक आता है सर वो अपना प्रिपेयर करना है जेई के तो लगभग बच्चे प्रिपेयर कर उससे क्लियर हो जाएगा और फिर वो बीस क्वेश्चन है सर वो यूट्यूब पे कुछ कुछ चैनल है जो वो करवाते हैं इंडस्ट्रियल ओरिएंटेड लर्निंग का उनके वीडियो के थ्रू मतलब कुछ कुछ क्वेश्चन हो जाते हैं सर और ये एस्पायरिंग इंजीनियर वाला सर ये मतलब बीटेक लेवल का है तो इसका लेवल कंपेरेटिवली जेईटी थोड़ा एभव होता है तो इसको बोलते सर ई के जो क्वेश्चन होते हैं ना प्रिलिम्स के हुँ. और गेट के जो वन मार्क्स वाले क्वेश्चन होते हैं ना सर उस टाइप के क्वेश्चन होते हैं इसमें A, A, का क्या पैटर्न है कि सत्तर क्वेश्चन टेक्निकल होते हैं और तीस क्वेश्चन नॉन टेक होते हैं उसमें दस क्वेश्चन आपके क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड के होंगे दस क्वेश्चन रीजनिंग के और दस इंग्लिश के तो वो आपको एस के सी लेवल के प्रिपेयर करने होंगे वो फिर उसके बाद हो जाता है अच्छा तो जैसे टाटा वाली एक जॉब आपने बताई फिर और कौन कौन सी जॉब्स हैं जो डिप्लोमा वाला बच्चा टारगेट कर सकता है सर डिप्लोमा वाले बच्चों के लिए तो बहुत सारे अपॉर्चुनिटी है टाटा स्टील है प्राइवेट सेक्टर में तो सबसे अच्छा में टाटा स्टील है फिर गवर्नमेंट सेक्टर में एनपीसीरो हो गया इसरो हो गया अभी बीएआरसी का ह्यूज रिक्रूटमेंट साढ़े तीन सौ सीट लगभग मैकेनिकल का आया है बीएआरसी में और सब सर सेल हो गया बहुत सारे पीएसयू अपने अपने रिक्रूटमेंट निकालते रहते हैं और सेंट्रलाइज एस एस सी जेई और आर आरबी जई जब आते तो वो मास रिक्रूटमेंट में हो जाता है तो बहुत सारे अपॉर्चुनिटी है डिप्लोमा वाले बच्चों के लिए तो डिप्लोमा के बच्चों के पास अपॉर्चुनिटी ज्यादा है बच्चों को थोड़ा सा बताओ और फिर डिटेल में हम इंटरव्यू का कर डिस्कशन करते हैं सर एनपीसीएल -से का का, सेंटर पे लेते हैं एनर्जी स्कूल होते हैं ना वहां पे वो ऑफलाइन एग्जाम कंडक्ट करवाते हैं तो मेरा एग्जाम वहीं पे राजस्थान के रावत भट्टा का है एनर्जी स्कूल में पढ़ा था एग्जाम का पैटर्न सर सत्तर क्वेश्चन सेम इसमें भी टेक्निकल क्वेश्चन होते हैं जो आपके ब्रांच से जेई लेवल के क्वेश्चन होते हैं जो एस एस सी जे आरबी जे और जो अदर अदर पीएसयू सब रिक्रूटमेंट कराते हैं सिमिलर उसी टाइप के क्वेश्चन होते हैं और तीस क्वेश्चन इसमें भी नॉन टेक्निकल होते हैं सर दस क्वेश्चन वही आपके जनरल नॉलेज के होंगे दस क्वेश्चन आपके एप्टीट्यूड सेक्शन के और दस क्वेश्चन इंग्लिश के होते हैं तो आउट ऑफ हंड्रेड वो आपको शॉर्टलिस्ट करते हैं और रावत भाटा का क्या सीन था कि 50 वो रिटेन का वेटेज देते हैं फाइनल सिलेक्शन में और इंटरव्यू का फिफ्टी परसेंट वेटेज देते मतलब हंड्रेड हंड्रेड मार्क्स दोनों का हंड्रेड मार्क्स का इंटरव्यू होगा हंड्रेड मार्क्स का रिटेन तो रिटेन से पहले इंटरव्यू में बच्चे को बुलाते थे वो फाइव टाइम्स लगभग बुलाए थे इसमें इंटरव्यू के लिए शॉर्टलिस्ट किए फाइनल जो मेरिट बना सर वो मतलब इंटरव्यू का मार्क्स और रिटेन के मार्क्स दोनों का फिफ्टी फिफ्टी परसेंट वेटेज मेरिट बना ओके hmm, सो okay. so का स्टेज उसमें था और फिफ्टी परसेंट रिटर्न का था यस सर हंड्रेड हंड्रेड मार्क्स दोनों का ओके okay. और कितने टाइम बच्चों को बुलाया होगा एनपीसीएल में इंटरव्यू no, तो hmm, okay. अच्छा, आप दूसरा आपके इंटरव्यू एक्सपीरियंस की तरफ देखो जैसे आप जानते हैं की एक बहुत बड़ा प्लेटफॉर्म है जिसपे इंटरव्यू गाइडेंस बच्चा लेता है और आपका yes. इंटरेक्शन भी जब स्टूडेंट सुनेगा तो इस होप से सुनेगा कि आप बहुत डिटेल में ये बताएंगे की इंटरव्यू का तैयारी करना कैसे है तो आप प्लीज बहुत डिटेल में बताएं कि इंटरव्यू जब हुआ आपका उस दिन कैसा था एमबीएस कैसा था और वो सब चीजें बताएं इंक्लूडिंग द क्वेश्चन आस्ट जो स्टूडेंट सुनना चाहता है मतलब जो जानना चाहता है कि साहब इंटरव्यू होता कैसे एनपीसीएल तो, का यस सर यस सर सर एनपीसीएल का इंटरव्यू मेरा अभी छह सितंबर को को रावत में था तो सर हम पहले मैं प्रिपरेशन का अपना के लिए सर जैसे एक बेसिक नोट्स जो मैंने एग्जाम्स के लिए प्रिपेयर किए थे उनको तीन चार बार मतलब किए और खुद से कुछ कुछ क्वेश्चन कुछ आस्क करते थे कि ये जैसे लॉजिक हुआ कि पीएमएम वन इम्पॉसिबल है क्यों इम्पोसिबल है मतलब थर्ड लॉ के अनुसार जीरो केल्विन पे एंट्रोपी जीरो क्यों है वो क्रॉस क्वेश्चनिंग के थ्रू सर थोड़ा सा मतलब नोट्स को रिवाइज कर लिए थे और सर मैंने जितने के लिए मतलब मैं टाटा स्टील के टाइम्स में ही, जब के लिए था ना, तो उस ही सर्च करते हुए भाएबरेश, सर, सारे मतलब ऑलमोस्ट मुझे लगता है दस बार हम देख चुके होंगे वो मैराथन जो आपने कंडक्ट करवाए थे ना आप मैं वो यूट्यूब पे तो वो हमको थोड़ा सा बहुत ज्यादा हेल्प किया मतलब सर मेन तैयारी तो नोट्स से ही होता है बेसिक कॉन्सेप्ट लेकिन उसमें ना मतलब जो पढ़ा हुआ चीज को कैसे जवाब देना है ना वो चीज को कैसे, अगला, समझेगा कि है, तो कैसे बताना है वहाँ पे? सब बताएंगे, लेकिन कैसे डिफरेंट अप्रोच आप बता सकते हैं कि उनको लगेगा कि ना ये बंदा मतलब प्रैक्टिकल समझ के आया और ये चीज हमको एनपीसीएल में फील हुआ सर टाटा स्टील और एनपीसीएल में दोनों इंटरव्यू में यही डिफरेंस आया कि एनपीसीएल में सर हमको बहुत टाइम दिया डिटेल में बताते हैं सर जैसे एनपीसीएल के इंटरव्यू में फर्स्ट में हम इंटर किए तो सर, वो बैठने के लिए बोले फर्स्ट क्वेश्चन हमसे पूछे कि बेटा तुम्हारा नाम है तो ये नाम का क्या मतलब है तो मतलब हम बताए कि सर हम अपने मम्मी का नाम बताएं पापा का और भाई बहन का बोले कि सर सबका नाम मेरा मम्मी का ये नाम है पापा का ये नाम है वो तीनों का मिला के विरसू पूरा कंबाइंड करके बना दिए तो वो पूरा फैमिली को इसी में समा समा लिए अपने में ना तो फिर सबको हंसने लगे हम लोग हाँ, सर वैसे हो गए तो फिर कहाँ से आए हो तो कि चतरा से आए सर झारखंड के चतरा डिस्ट्रिक्ट से तो एक जगह है यहाँ पे पत्रातु के, कितना दूर है यहाँ से तो बताएं कि सर अस्सी किलोमीटर है उसके बाद सर सीधा वो टेक्निकल क्वेश्चन पे आए कोई नॉन टेक्निकल इतना दिन से क्या कर रहा था ऐसा कोई क्वेश्चन मेरे से तो नहीं पूछा गया जो मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस था तो एक मैम थी सर सब कोई बोले तो बी आर सी से आई हुई थी या कुछ तो उनसे सर ने पूछा जो मेरे पैनल के हेड थे वो बोले कि मतलब स्टार्ट तो मैम हमसे पहला क्वेश्चन पूछी कि कंफर्टेबल फील कर रहे हो तो फर्स्ट क्वेश्चन पूछी कि कौन कौन सा सब्जेक्ट पढ़ के आए तो हम फेवरेट में, सब्जेक्ट में बताएं कि थर्मोडानेमिक्स आईसी इंजन आर और फ्लूड मैकेनिक्स बताएं तो बोले कि वेरी गुड तो फर्स्ट क्वेश्चन बोले कि डूएल साइकिल के बारे में जानते हो तो हम बताएं कि यस मैम ड्रॉ करके बताओ और एक्सप्लेन एक करो कि क्या होता है तो सर फर्स्ट क्वेश्चन में ही वो प्रेशर की वजह से हम ब्लेंडर कर गए कि जो ड्रॉ किए ना पीवी डायग्राम और टीएस डायग्राम तो साइकिल हम ड्रॉ किए थे पीवी डायग्राम लेकिन वो एक्सिस पे पी और एस लिख दिए थे तो मैम एक बार बोले कि एक बार कोऑर्डिनेट चेक कर लो अपना तो तुरंत से वो तो पढ़ा हुआ था मेरा तो अचानक से फिर सॉरी मैम सॉरी मैम वो पीवी डायग्राम फिर किए तो सर फिर हमसे पूछे कि हो किबल हाँ तो तो अच्छा तो तो एनर्जी में क्या तो सब अच्छा से थोरोली क्लियर था तो वो मैंने एक्सप्लेन कर, कर दिया तो सर थर्मल मैम को हम, हमको लगा कि जो फर्स्ट मैम पूछ रही थी वो मोस्टली थर्मल साइड से ही क्वेश्चन हमको पूछे क्योंकि फेवरेट सब्जेक्ट हम बताए थे थर्मल तो स्टार्टिंग वहीं से हुआ तो उस सेक्शन में मेरा वो ब्लेंडर किए लेकिन फर्स्ट अच्छा मतलब कि तो ले कि, रिएक्टर के बारे में जानते हो था सर तो न्यूक्लियर रिएक्टर के बारे में पूछेंगे तो बताएं कि यस सर तो टाइप ऑफ न्यूक्लियर रिएक्टर पूछे रिएक्शन कौन सा न्यूक्लियर फ्यूजन हम एक्सप्लेन किए पूछे की क्या होता है तो वो एक्सप्लेन कर दें कि ये रिएक्शन होता है सर न्यूक्लियर रिएक्टर में ऐसे ऐसे सब कुछ एक्सप्लेन कर दिया अच्छा से तो फिर बोले कि इसी तरह का एक रिएक्शन होता है बेटा न्यूक्लियर फ्यूजन वो जानते हो तो बताया कि यस सर तो एक्सप्लेन जब बता दिए कि तो इसका प्रैक्टिकल एग्जांपल बताओ तो हम बताएं सर कि वो हाइड्रोजन बम वाला सब एक्सप्लेन कर दिए तो सर बोले कि तो तुम हाइड्रोजन बम तो बनते नहीं देखा होगा तो प्रैक्टिकल में बताओ कि कहाँ पे तो सर वो पढ़े हुए थे कि सन में वो न्यूक्लियर फ्यूजन होता है बट इंस्टेंट में वहां पर उनको क्लिक नहीं किया तो सर हम क्या फील किए कि जो मैम थी ना जो एक दो पहले मेरा इंटरव्यू लेती तो वो हमसे मतलब हम अच्छा से था ना, इतना एनर्जी रिलीज हो रहा है तो कहां से हो रहा है तुम सोचो ऐसे तो हम पकड़ लिए फिर बता दिए सन से होता है तो फिर सर वो प्रोडक्शन से पूछने लगे कास्टिंग वेल्डिंग तो वो सब चीज बताए का टाइप अब सर फिर पूछने लगे की फोर्जिंग जानता है हाँ तो एक्सप्लेन किए हॉट फोर्जिंग फोर्जिंग कोल्ड के बारे में बताओ तो वो सर बताएं कि हैं। सर उसमें फिर जब लगे ना कि इसमें किस का कैसे डिस्ट्रीब्यूशन होता है तो हम प्रोडक्शन एक्चुअली उतना अच्छा नहीं थे, तो बोले, तब बोले कि सर मतलब करंट में तो नहीं रिवाइज किए तो वो बताए तो बोले ओके बेटा कोई बात नहीं कोई बात नहीं फिर मेट्रोलॉजी से क्वेश्चन पूछे सर की फिट क्या होता है क्लियरेंस फिट इंटरफेरेंस फिट मैक्सिमम मटेरियल मटेरियल कंडीशन सर हम एनपीसीएल में क्या ऑब्जर्व किए वो हम लोग को बहुत टाइम देते हैं अगर आपको सोचना है तो इनफ टाइम देंगे आराम से सोच के आंसर कीजिए वो सिर्फ आपको टेक्निकल के बेस पे जज करेंगे बाकी ए, मतलब आपका अपियरेंस आपका मतलब बैकग्राउंड में कितना साल गैप है उस पर वो ज्यादा फोकस नहीं करके अगर आप टेक्निकली उनको सेटिस्फाई कर दिए तो आपको मार्क्स देंगे हुँ। हुँ। देंगे और फिर सर हम बहुत ज्यादा ऑब्जर्व किए कि दो 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 टीचर थे ना वो मतलब जब हम उनके सब्जेक्ट में अच्छा से बताए ना तो वो लोग हिंट हमको दे रहे थे कि यार मतलब क्लू दे रहे थे कि जिससे आंसर पकड़ ले जहाँ पे हम लग कर रहे थे तो सर जब इंटरव्यू सब पैनल का हिट एक्सचेंजर से भी क्वेश्चन पूछे टाइप ऑफ एक्सचेंजर फिर किए फ्लो 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 काउंटर का तो उसके बाद फिर सर चारों पैनल के सर बोले कि ओके बेटा वेरी गुड बहुत अच्छा किए हो तुम हो गया जा सकते हो तो कहा से आयो तो बताया झारखंड से एक टीचर घूम रहे थे वो बाद में वो पूछे कहा से आये झारखण्ड से सर तो वो जो मैम फर्स्ट में क्वेश्चन पूछी थी ना सर उनको शायद डाउट हुआ कि ये बंदा ऐसा तो नहीं है कि कुछ कुछ सब्जेक्ट ही पढ़ के आया है थर्मल सेट का तो सोम सबसे सवाल हुआ है कोई को, टीचर पूछे ही नहीं थे वो बोले एक मिनट रुको तो फिर से सोम का क्वेश्चन पूछना स्टार्ट किए कि ए, बताओ कि कॉलम क्या होता है रेशियो क्या होता है कि रेडियस ऑफ सब्जेसन का एक एग्जैक्ट मीनिंग क्या होता है मतलब फॉर्मूला तो चलो ठीक है क्या समझते हो रेडियस ऑफ तो ये सर ये सब हम थोड़ा रिवाइज करके गए तो वो लग से मेरे मतलब लास्ट का जो पांच से क्वेश्चन हुआ ना वो सब कुछ मेरे पाले में आ गए वो सब बहुत अच्छा से पढ़ के गए तो जो मैम रुकवा के पूछे तो वो एक्सप्लेन कर दिए तो मतलब हमको वहां पे ही फील हो गया था सर कि हम अपना मतलब अच्छा परफॉर्म किए एक दो ब्लैंडर की अलग बात है लेकिन हमको वहां पे फील आ गया था कि हम इससे अच्छा नहीं कर सकते थे मतलब और उन लोग भी उस तरह का एक्सप्रेशन दिए कि तुम अच्छा किया है मतलब तो मतलब हम मेरा फीलिंग अच्छा रहा सर हम बाहर भी निकले ना तो एक दो सर से बोले कि सर वो सिलेक्शन का नहीं पता लेकिन हम इससे अच्छा नहीं कर सकते थे एक दो ब्लंडर जो हुआ लग बात है तो और सर सोम का हम स्पेशली बोलेंगे सर हम योरपीडिया का भी स्नैप लगाए थे तो मनीष सर सोम का मेरा स्नैप लिए थे

अच्छा तो विरसो इसमें आपसे एनपीसीएल में उन्होंने आपका प्रोजेक्ट के बारे में कुछ क्वेश्चन या आपके ट्रेनिंग वहां पे ही नहीं थे, तो, तो आपसे मतलब मैंने सुना है कि में कुछ फेवरेट सब्जेक्ट्स पूछते हैं लेकिन क्वेश्चन कहीं से पूछ लेते हैं ना फेवरेट सब्जेक्ट तो हम आईसी इंजन मैकेनिक्स चार सब्जेक्ट बोले थे बट मेरे से मतलब थ्योरी ऑफ मशीन से क्वेश्चन नहीं पूछा गया बाकी ऑलमोस्ट सब सब्जेक्ट सब्जेक्ट प्रोडक्शन हो गया हर एक से से क्वेश्चन क्वेश्चन पूछे पूछे सर मटेरियल साइंस भी बट मतलब वो, वो पूछने स्टार्ट करेंगे तो पूरा मतलब पूरा जो आपके आठ दस सब्जेक्ट है सभी से पूछते हैं जानना चाहिए एटलीस्ट फेवरेट को अच्छा से और जो नहीं फेवरेट उसका बेसिक्स तो एटलीस्ट उठना चाहिए जैसे हम हमसे प्रोडक्शन से सॉम से, से सब सब्जेक्ट से क्वेश्चन पूछे अच्छा हुँ। अच्छा अगर आपने मतलब जैसे किसी स्टूडेंट जो आपकी सुन रहा हो उसको अगर बताना है कि भाई तैयारी किस तरीके से की जाए तो क्या बताएंगे आप एंट्रेंस के लिए सर हाँ इसके लिए अपना इंटरव्यू के लिए सर इंटरव्यू के लिए तो हम बोलेंगे कि इंटरव्यू के लिए सबसे सबसे मोस्ट इम्पोर्टेंट चीज है अपना नोट्स जो क्लास नोट्स पढ़े हैं उसको मतलब डिटेल में पहले तो सबसे ज्यादा काम वहीं वहीं पे पे क्योंकि बेसिक्स सर बेसिक वहां पे मतलब जब क्रॉस क्वेश्चन होता है ना इस है ना तो सर यूरोपीडिया का क्या हुआ ना कि यूरोपीडिया का हम बेनिफिट बताएं मैराथन देखें तो जब इंटरव्यू से फर्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था ना तो वो इम्प्रेशन यूरोपीडिया मेरा बहुत अच्छा काम किया जो मैराथन आपके देखे थे सर लेकिन जब जब क्रॉस क्वेश्चन सर लोग कर रहे थे तो वहां पे बेसिक ही काम आ रहा था जब मतलब उससे जैसे इंट्रोपी बताएं तो अवेलेबल एनर्जी से क्यों डिफरेंट है क्या फर्क है वो चीज वहां पे मेरा बेसिक बेसिक नॉलेज होना चाहिए सर नोट से उसके बाद फिर योरपीडिया के मैराथन अच्छे हैं उनको लगाने के बाद फिर वो अपने स्नैप्स सब लगा के हो जाता है नहीं। नहीं। सर वैसे अच्छा विरसू आपका ये जो सिलेक्शन हुई है ये रावत बाटा के लिए हुई है राइट यस सर तो इसका मतलब एनपीसीएल के प्लांट है हर चीज के लिए रिक्रूटमेंट अलग से होता है हाँ एनपीसीएल का सर जैसे जो वो जो बीटेक लेवल वाला होता है गेट से वो सेंट्रलाइज रिक्रूटमेंट होता है और अच्छा, डिप्लोमा का जो साइंटिफिक असिस्टेंट का का पोस्ट होता है है सर वो मतलब सब यूनिट अपने अपने जैसे इसरो में भी साइंटिस्ट सेंट्रलाइज अभी आई और जो जितना सारा यूनिट है वो डिप्लोमा बेसिस वाला सब लोकल लोकल जितना भी है प्लान वो अपना रिक्रूटमेंट निकालते हैं जैसे हम लोग का रावर भाटा का निकला अभी कुछ दिन पहले कायगा का निकला था इसी तरह सब अपना अपना निकालते हैं सर डिप्लोमा वाला पोस्ट ओके

बन जाता है एक साल के बाद इसमें वो एक बहुत बड़ी चीज है मतलब असिस्टेंट मैनेजर से टाटा में अपना करियर स्टार्ट करना तो आपका मतलब विद ऑफ टाइम आप बहुत ग्रो करते हैं करियर में एंड आई एम वेरी श्योर जो स्टूडेंट आपको सुना होगा उनको आइडिया लगा होगा कि किस तरीके से इसमें जाए तो मैं आपको बहुत ऑल द बेस्ट विशेष देता हूँ आपके करियर के लिए एनपीसीएल बहुत एक प्रेस्टिजियस ऑर्गेनाइजेशन है इंडिया का जो इंडिया को एनर्जी की फील्ड में सेल्फ रिलायंस दिलवा सकता है तो आई होप आपका बहुत अच्छा करियर जाए एंड आई एम वेरी श्योर आप अपना बेस्ट देंगे थैंक्स थैंको